Welcome back students to the video series of Vivekananda Public School. Today we are here with the chapter development of class 10th. It's chapter 1 of social science economics book. Before this video we have made other parts of it where we started and understood the chapter to a larger extent. Rest of the chapter today we are going to discuss about rest of the chapter. Hamara jo topic tha जिस पर हमको स्टार्ट करना है वो था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स. ये किस बारे में है, बात हम डेवलपमेंट की कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और उसके अलावा ह्यूमन लाइफ को अच्छे से सस्टेन करने और डेवलप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. पैसे की तो है ही, यानी इकोनॉमिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ दूसरी चीज़ें भी, अदर फैक्टर्स जो नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. आगे हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स के बारे में देख रहे हैं कि उनकी तुलना कैसे की जाती है या कैसे की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इकोनॉमिकली और लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में कौन ज़्यादा बेटर है और कैसे बेटर है. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स आर अंडर डेवलप्ड. कैसे ये पता चलता है, कैसे हम किन चीज़ों के आधार पर ये चीज़ क्लियर करते हैं कि ये कंट्री विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री है और दूसरी अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है, या विकासशील है यानी डेवलपिंग है, जो कि थोड़ा और डेवलप होने पर डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आ जाएगी. इस तरह कुछ कैटेगरीज में इनको बांटा गया है. व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. कई चीज़ें जब हम तुलना करते हैं तो कुछ तो हमें समानताएँ मिलती हैं, कुछ अंतर भी उनमें हमें नज़र आते हैं. तो हम उनमें से किन पहलुओं को, किन एस्पेक्ट्स को, किन बातों को लेंगे अपने यूज़ में, ताकि हम सही कंपैरिजन या सही तुलना कर सकें. हम देखें एक एग्जांपल के तौर पर एक क्लास के बारे में जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर उन लोगों को हम देखें तो वो कुछ इस बच्चे हाइट में अलग होंगे, कुछ वेट में अलग होंगे, कुछ अपने टैलेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से अलग होंगे. जैसे किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को कोई और सब्जेक्ट पसंद है, इसी तरह कोई फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्गर है तो कोई मेंटली बहुत अच्छा है या शार्प माइंड का है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं. लेकिन इनमें डिफरेंसेस कैसे होते हैं, जैसे एक हेल्दीएस्ट स्टूडेंट, क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा जो है, हो सकता है सबसे इंटेलिजेंट ना हो, इसी तरह जो सबसे इंटेलिजेंट है वो सबसे फ्रेंडली ना हो, मतलब उसका फ्रेंडशिप वाला नेचर ना हो. तो इस तरह कंपेयर करने के क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं. तो हम कैसे इन क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. ये डिसाइड होता है कि हमारा इस तुलना को करने का कारण क्या है, हमें किस रिजल्ट को प्राप्त करना है, किस वजह से हम तुलना कर रहे हैं, उस आधार पर हम ये एस्पेक्ट उठाते हैं, वो पहलू उठाते हैं कि हमें इन इन आधारों पर तुलना करना है, हमारा रिजल्ट हमें क्या चाहिए इस पर. वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम. हम अगर उन बच्चों में से एक स्पोर्ट्स टीम बनाएंगे तो हम अलग क्राइटेरिया यूज़ करेंगे. अगर हमें एक डिबेट कॉम्पिटिशन यानी वाद विवाद प्रतियोगिता करवाना है तो हम शायद अलग आधार बनाएंगे. अगर हमें एक म्यूजिक टीम डिसाइड करनी है तो शायद इट वुड बी डिफरेंट. वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास. यानी हमें क्या करना होगा, हमारे रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग क्राइटेरिया पर उन्हें कंपेयर करना होगा. यूजुअली वी टेक वन ऑफ मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें समझना पड़ता है. देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वॉट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपेरिजन. फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड. कई बार ये क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, दूसरे की मदद करने की इच्छा या चाह, क्रिएटिविटी, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है या वो कितने अच्छे मार्क्स लाता है. बट डिपेंड करता है, हम वही क्राइटेरिया, वही आधार चुनते हैं जैसा हमारा पर्पस होता है रिजल्ट का. जैसे कि हमें अगर डिबेट कंपटीशन में अपनी टीम को विन कराना है तो हम हेल्दी स्टूडेंट को नहीं बल्कि इंटेलिजेंट या शार्प माइंड के स्टूडेंट को चूज करेंगे. दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज को तो सबसे पहला आधार जो हम चुनते हैं वो आर्थिक आधार होता है, क्योंकि हम किसी भी देश की जो ग्रॉस इनकम होती है उसके आधार पर उसको कंपेयर करते हैं.
This is based on understanding that more income means more of all things. Generally ये consider किया जाता है, माना जाता है कि जिस country की, जिस देश की आय अधिक होती है उसे हम विकसित देश की श्रेणी में रख देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अर्थ से जुड़ी हुई हैं। अगर हमें कोई चीज़ खरीदना है या कुछ फैसिलिटीज़ का यूज़ करना है तो पैसे ज़रूरी हैं। उसी के आधार पर हम ये मानते हैं कि वो कंट्री कितनी रिच है या स्ट्रॉन्ग है। Their whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of the important goal. हम किसी भी देश की कमाई के आधार पर इसलिए भी देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक अधिक आय को प्राप्त करना भी एक गोल होता है। तो हमारी तुलना करने का माध्यम भी आय हुआ और हमें प्राप्त जो करना है यानी वो हमारा गोल जो है वो भी इनकम ही हुआ। What is the income of country? कैसे पता चलेगा? द इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की आय क्या है? उसमें रहने वाले हर व्यक्ति की प्रतिवर्ष की आय के अनुसार हम उसकी आय को यानी देश की आय को निकालते हैं, जिससे हमें टोटल इनकम ऑफ द कंट्री का पता चलता है। हालांकि ये जो कंपेरिजन है कंट्रीज का आय के आधार पर, ये इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन डिफरेंट होती हैं। अगर हम कम पॉपुलेशन वाली कंट्री में देश की आय को बांटेंगे तो शायद वो ज़्यादा आएगी। अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो वो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ये एक पक्का एक मजबूत आधार नहीं है तुलना करने का, पर ये बहुत ही वाइडली यूज्ड है, इसे बहुत यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने जो हमें दी है ये बताया है कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 49,300 पर एनम है, डॉलर में 49,300 डॉलर प्रति वर्ष जिस आय है जिस व्यक्ति की, वहाँ के लोग जो है वो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं या विकसित देश कहलाता है वो, और हाई इनकम कंट्रीज उसको कहते हैं। लेकिन जहाँ पर US डॉलर 2500 यानी 2500 है या उससे कम है, उसे लो इनकम कंट्री कहा जाता है। इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम केवल 6700 पर एनम थी। 2500 पर एनम या उससे कम में गरीब देश आते हैं, तो उससे ऊपर लगभग हम 6700 पर एनम जो हमारा डॉलर के में इनकम है पर कैपिटा, उस हिसाब से हम लोअर मिडिल में आते हैं। आप जानते होंगे तीन क्राइटेरियाज बांटे गए हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, एंड मिडिल क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, दैट इज लोअर मिडिल एंड अपर मिडिल। तो इंडिया की हम बात करें तो वो लोअर मिडिल में आती है और कई दूसरी कंट्रीज हैं जो गरीब में आती हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पेज नंबर 9 पर, जो कि एवरेज इनकम के बारे में दिया हुआ है, जिसमें हमें एक टेबल के माध्यम से समझाया गया है। एवरेज जो है यूजफुल कंपैरिजन है, लेकिन और उसमें लेकिन क्या होता है, डिस्पैरिटीज जो है वो छिप जाती हैं। आप देखिए, हम दो कंट्रीज के बारे में बात करें जिसमें एग्जाम्पल में दिया है ए और बी, इसमें 5 अलग अलग लोगों के बारे में बताया है। अब एक में, कंट्री ए में जो आय है वो काफ़ी समान है, यानी थोड़े बहुत अंतर के साथ सबकी इनकम एक जैसी है, जबकि कंट्री बी में शुरू के 4 लोगों की आय बहुत कम और आखिरी के व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम बी कंट्री की बात करें तो बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन, बट इफ इट इज अ लॉटरी दैट डिसाइड्स अवर सिटीजनशिप नंबर, देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री ए। बी में रहना तब अच्छा है जब हम उसके फिफ्थ सिटीजन हों, लेकिन अगर लॉटरी के बेस पर यह डिसाइड हो रहा है कि आप कंट्री के कौन से सिटीजन होंगे, तो अगर आप फिफ्थ नहीं हुए, शुरू के 4 सिटीजन्स में आए, तो आप बहुत ही कम इनकम पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे। अगर उस तरह से लॉटरी सिस्टम से आपकी सिटीजनशिप डिसाइड होगी तो आप शायद ए कंट्री में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ए में आप कोई से भी सिटीजन हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, आपकी आय में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, यानी आपके लिविंग स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो एक नज़र में अगर हम फिफ्थ सिटीजन के बेस पर देखेंगे तो कंट्री बी बेटर लगेगी, पर अगर हम क्राइटेरिया इस तरह का बनाएं कि इक्वल इनकम हो तो कंट्री ए बेटर होगी। इस तरह से एवरेज इनकम जो है वो एक यूजफुल कंपैरिजन है, हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं, ये भी पूरी तरीके से सही कंपैरिजन नहीं बताती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया।
When we looked at individual aspirations, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment and freedom. सिर्फ पैसा ही एक मात्र आधार नहीं होता इसको बनाने का, यानी हमारे development या अच्छी life का. कुछ और चीज़ें भी हैं जिसके लिए जो हमारे गोल्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी, हमें फ्यूचर्स अपना सेफ चाहिए खासकर इकोनॉमिकली. रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हमें सम्मान चाहिए, सिक्योरिटी रिस्पेक्ट, इसके साथ हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, यानी व्यवहार हम सबसे अलग अलग हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए. प्लस फ्रीडम, आज़ादी होना चाहिए, सब जगह घूमने की, सब जगह बसने की, रहने की आज़ादी होनी चाहिए. What could these attributes be? Let's examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. हमें फिर एक example के तौर पर हमारे ही देश के, भारत देश के तीन states के बारे में दिया है और उनकी infant mortality rate, literacy rate और net attendance ratio को बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि IMR जो है indicate करता है number of children that die before the age of 1 year. वो बच्चे जो भारत में जन्म लेते हैं पर एक साल के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, वो लंबा जीवन नहीं जी पाते. लिटरेसी रेट बताया है हमारे शिक्षा का जो स्तर है. नेट अटेंडेंस रेशियो है यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 14 से 15 साल तक के हैं वो कितना स्कूल जाते हैं. अब इस टेबल से हमें क्या पता चलता है? पहला कॉलम बताता है कि केरला में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 10 बच्चे लगभग एक वर्ष पूरा करने से पहले मर जाते हैं, जबकि हरियाणा में यही प्रोपोर्शन 30 है, which is 2 times more than that of Kerala, जो लगभग उससे दुगना है. दूसरी तरफ हम देखें तो per capita of income हरियाणा की more than Kerala है, as shown in the table 1.3. अब आप सोचिए parents के बारे में कि जिनके children, जिनके बच्चे they die before 1 year of completion, उनके लिए ये कितना पेनफुल होता होगा. यानी उनके लिए गुड लाइफ का एग्जाम्पल सिर्फ वो आए नहीं बल्कि उनके बच्चों की लॉन्ग लाइफ भी है. तो इस तरह देखा जाए तो केरला इज फाउंड मच बेटर देन हरियाणा, क्योंकि केरला की भी इनकम ठीक ठाक है, हरियाणा की थोड़ी ज़्यादा है, पर केरला में बच्चों का जो सर्वाइवल है, लॉन्ग लाइफ है, वो ज़्यादा श्योर है हरियाणा की बजाय. तो इस तरह से हमें ये बताया गया है कि सिर्फ इनकम ही एक बेटर क्राइटेरिया नहीं है बल्कि अदर क्राइटेरियाज भी हैं जो कि एक अच्छी लाइफ या डेवलपमेंट का की श्योरिटी बताते हैं या उसे इंश्योर करते हैं. इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आगे दूसरे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, BMI कैलकुलेशंस और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे. टिल देन थैंक यू वेरी मच.